ये बॉडी कैविटी भी हो सकती है ल्यूमिन भी हो सकता है और आउटर सरफेस ऑफ दी बॉडी भी हो सकता है लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास ये जो स्वेट ग्लैंड्स या सेबेशस ग्लैंड्स जो होते हैं ये अपनी सिक्रीशन्स जो हैं वो डक्ट के थ्रू पोर करते हैं यानी ब्लड में इनकी सिक्रेशन्स नहीं जाती इनकी सिक्रीशन्स जो हैं वो डक्ट के थ्रू आउटर साइड पर जाएंगी या ल्यूमिन में सिक्रियट करेंगे और या फिर बॉडी कैविटीज़ में सिक्रिएट करेंगे ठीक है तो आ, वी आर सेम कि आपके पास ये जो एग्जोक्राइन ग्लैंड हैं एग्जोक्राइन ग्लैंड ये अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में पोर नहीं करते बल्कि डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशन्स पोर करेंगे और ये सिक्रीशंस जो हैं वो स्वेट ग्लैंड्स की फॉर्म में भी स्वेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है सबेशियस ग्लैंड्स की फॉर्म में भी हो सकती है ऑयल्स की फॉर्म में भी एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की फॉर्म में भी ठीक है तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे पास होते हैं ये डिफरेंट है स्टमक में डिफरेंट ग्लैंड रिलीज होते हैं स्टमक में डिफरेंट इन्जाइम्स रिलीज होते हैं डाइजेस्टिव इन्जाइम्स जिनको हम कहते हैं और आपने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ा है कि डाइजेस्टिव इन्जाइम्स जो हैं वो रिलीज़ uh, होंगे स्टमक में स्मॉल uh, इंटेस्टाइन में लिवर uh, पेंक्रियाज uh, तो दीज आर दी हॉर्मोन्स दीज आर दी ग्लैंड्स विच आर सिक्रीटेड Uh, यानी इनकी अपनी एक प्रॉपर डक्ट्स होंगी द गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्जोक्राइन ग्लैंड इज लिवर लिवर जो है आपके पास इसमें uh, pancreas, एक लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक प्रॉपर डक्ट के थ्रू सिक्रिशंस uh, uh, जो है वो पोर होती हैं स्मॉल ड्योडेनम में स्मॉल इंटस्टाइन या डिडेनम में ठीक है सो एग्जोक्राइन ग्लैंड के बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड की एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास आ, एक ऐसे ग्लैंड्स हैं जिसमें आपके पास सिक्रिशंस जो हैं वो कहाँ पोर होती हैं सिक्रीशंस आपके पास ब्लड में पोर होंगी डायरेक्टली इनटू टू दी ब्लड पोर होंगी ठीक है तो आ,